पीलीभीत जनपद के रमनगरा के नगरिया खुर्द के पास शारदा सागर बांध पर अपने साथियों के साथ टहलने गए स्थानीय निवासी सुजीत राय पुत्र कालीपद राय को पहले से ही घात लगाए बाघ ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल युवक को ग्रामीणों ने आनन फानन में इलाज हेतु जिला चिकित्सालय पीलीभीत पहुंचा दिया। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर उपप्रभागीय वनाधिकारी रमेश चौहान अपनी टीम के साथ तथा स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और बांध रोड पर दोनों तरफ से आवाजाही बंद कर दी गई। ग्रामीणों के अनुसार बाघ रात को लगभग 8 बजे घटनास्थल से हटकर गांव की तरफ आ गया है। वहीं वन विभाग की टीम मौके पर मॉनिटरिंग कर रही है तथा बाघ को सुरक्षित स्थान पर चले जाने का इंतजार कर रही है। ग्रामीणों में भय और दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि बाघ कभी भी बड़ी दुर्घटना कर सकता है। वहीं वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों में भारी आक्रोश भी है। आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग पर भारी लापरवाही का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। अगर हम लोगों की सुरक्षा आपका क्या है, हम करेंगे तभी तो करें। चलो चलो आ जाओ, आगे नीचे आ जाओ। मामला यह है, ये जंगल पार से मतलब शेर आया और कुछ बंदा सुबह यहाँ घूम रहा था। अब वो शेर आया तो बंदा यहाँ घूम रहा है तो वो कोई किसी ने कह दिया कि शेर आ रहा है, कहाँ है करके देख रहा था। वो बंदा को उसने झपट लिया, तुरंत मतलब जंगलात वाले को सूचना किया और जंगलात वाला 5 घंटा बाद आवा रहे हैं। तो जंगलात वाला पहले जाके वहाँ देखता है, पेड़ देखता है, लेकिन ये शेर का मामला है तो कोई नहीं आया, अब तक 5 घंटे बाद आ रहे हैं। हम चाहते हैं इसको पकड़े, मतलब वो कोई नुकसान ना हो किसी का, कोई मतलब जो है कि पब्लिक का। तो जंगलात वाला करेंगे ना, प्रशासन करेंगे व्यवस्था, हम पब्लिक थोड़ी कर पाएंगे। हम तो इसको इसके लिए सरकार को दूषित ठहराएंगे, ये सरकार का कमी है और किसको दूषित ठहराएंगे बताइए। हम पब्लिक कर क्या सकते हैं, हम तो कठपुतली है। तो उसको ले गया अस्पताल पीलीभीत, जाते जाते बेहोश हो गया वो, अब उसका नाम बचना मुश्किल है। क्या उसके लिए, अब उसके लिए मांग क्या करें, अब देखिए सरकार क्या निर्णय लेते हैं उसके लिए। मेरे ख्याल तो मुश्किल है बसना। टाइगर अटैक किया गया है किसान पे, क्या कार्रवाई की जा रही है आपकी? लेकिन नगरिया खुर्द में एक व्यक्ति घायल होने की सूचना प्राप्त हुई थी और जिस प्रकार की चोटें लगी हैं उससे स्पष्ट होता है कि हमला या तो बांध पर रखा गया है या तेंदुए द्वारा किया गया है। हमारी निगरानी टीम भी वहाँ पर सुबह से ही मौजूद है, परंतु अभी तक बाघ या तेंदुए की टीम द्वारा देखे जाने की कोशिश नहीं हुई है। हालांकि ग्रामीणों द्वारा कहा जा रहा है कि बाघ के द्वारा हमला किया गया है, टीम मौके पर मौजूद है। जैसा बाघ या तेंदुए का मूवमेंट होता है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।